فتش عن موطن الضعف في عملنا حتى تثمر الجهود أي نع الأثمار وتنجب رجال العمل المخلصين الجادين الذين يغيرون مجرى التاريخ ويخلعون على الأمة الإسلامية أحسن لباس من العزة والغلبة فلنفتش تو ہم کو ڈھونڈنا چاہیے دیکھنا چاہیے کمزوری کا پہلو فی عملنا اپنے عمل میں جو کمزور مقام ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو تلاشنا چاہیے کہ کہاں کمزوری ہے ہمارے عمل میں حتی تثمر الجہود تاکہ حتیٰ یہ تعلیل کے لیے علت بتانے کے لیے تاکہ جب ہم وہ کمزور پہلو ڈھونڈیں اور اس کو زائل کر لیں اور کمزوری کو دور کر لیں تو پھر یہ ہوگا کہ کوششیں ثمر آور ہوں گی حتیٰ تثمر الجہود تاکہ ہماری کوششیں ثمر آور ہوں عین الاثماری اچھے پکے ہوئے تازہ تازہ پھل دے ہماری کوششیں یہ عین کیا بن رہا ہے اس میں تفضیل ینع ثمار ینع کہتے ہیں پکے ہوئے پھل ینع ینع پھل پک جانا اینع بھی آتا اینع الثمار کہ پھل کیا ہو گئے پک گئے اور یہ جو اینع ہے یہ اس میں تفضیل ہے اطیبا کے معنی میں تاکہ ہماری کوششیں اچھے عمدہ تازہ پکے ہوئے پھل دے وتنجبا اور ہماری کوششیں جنم دیں رجال العمل عمل کرنے والے لوگ کارکن پیدا کرے انجبا ینجبا میں پیدا کرنا جنم دینا خاص طور سے معنویت کے لیے آج کل آتا ہے کہ انجبت الہندو افزازا فی کل مجالین عباقرتن فی کل فن ہندوستان نے ہر فن میں عباقرہ کو پیدا کیا ہے اور اچھے بچے پیدا کرنے کے لیے آتا ہے انجبت رب حمقا منجبا رب حمقا منجبا بہت ساری بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں لیکن بچے وہ اچھے دیتی ہیں عربی میں مثال ہے رب حمقا منجبا بہت ساری احمق عورتیں ہوتی ہیں لیکن بچے بڑے اچھے دیتی ہو یعنی عورت تو احمقہ ہے لیکن اس کے بچے بہت اچھے اچھے پیدا ہوئے تو منجبا اس کو کہا اچھے بچے دینے والی عورت وتنجبا رجال العمل تاکہ کوششیں کارکن پیدا کرے المخلصین مخلص الجادین سنجیدہ جد جد میں نے کوشش کرنا سنجیدہ ہونا جادن میں نے سنجیدہ شخص عمل جادن سنجیدہ کام رجل جادن سنجیدہ آدمی طالب جادن سنجیدہ طالب علم سنجیدہ لوگ پیدا کریں الذین یغیرون مجرى التاریخ جو کہ تاریخ کے دھارے کو بدلیں تاریخ کے دھارے کو بدل ڈالیں موڑ دیں رخ موڑ دیں تاریخ کا غیر مجرى التاریخ قلب وجہ الزمان
حول تيار العصر धारा मोड़ दिया, मजरा मैंने धारा, तारीख का रुख मोड़ दिया, कल्लबा वजह तारीख, ताकि वो तारीख का रुख मोड़ें, वयखलाउन अलल उम्मते अहसन लिबासिन, और वो लोग जो अच्छे पैदा हों वो उम्मते इस्लामिया को अच्छा लिबास काट कर दें, अच्छा लिबास उसके बदन पर ज़ेबतन करें, इज़्ज़त और गलबे का, इज़्ज़त और गलबे का लिबास, ये मजाजी मायने, मतलब इज़्ज़त उसको अता करें, इज़्ज़त का लिबास अता करें का मतलब इज़्ज़त, इज़्ज़त और सरबुलंदी से नवाजें, उम्मत इस्लामिया को इज़्ज़त और फ़ख्र के काबिल बनाएं। खला का मतलब होता है यानी लिबास सीना, उस कटिंग करके उसको उसके मुताबिक सीना, तो कहेंगे यानी यम्बगी अन तखला लिबास क़द्र अल-क़ामत, यानी कद कद के मुताबिक आप लिबास पहनाएं, किसी को लिबास उड़ाएं तो उसके कद के मुताबिक उड़ाएं, जैसा कद है वैसा ही लिबास उसको दें। खला मतलब यहाँ खला निकालने के मायने भी आते हैं, फखलाना अलैक और खला तो मैं वो मायने ही निकालना, यहाँ खला अलैक के मायने उसको दे देना, उसको पहना देना, उम्मत मुस्लिमा को अच्छा लिबास पहनाएं इज़्ज़त और गलबे का। قد تعود أهمية هذا التفتيش عن مواطن الضعف في حياتنا العلمية قوية مستلفتة للأنظار في الظروف الحالية التي تترقب الدعاة المخلصين. قد تعود कमजोरी के पहलू को तलाश करने का ये अमल जो है, इसकी अहमियत, कमज़ोरी को तलाश करना हमारे काम में, अमली ज़िंदगी में मवाज़िउज़्ज़ौफ़ और मवातिनुन्नक़्स को तलाश करने का ये अमल है, इसकी अहमियत तऊद हो जाती है, क़वियतन ज़्यादा अहमियत ज़्यादा हो जाती है, मुस्तलफ़ितन लिल अंज़ार काबिले तवज्जो, तवज्जो को मबजूल करने वाली हो जाती है, हालिया हालात में, ज़ुरूफ़ हालिया हालाते हाजरा में, हालाते हाजरा में उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है, मतलब क़द तऊदु अहमियतु हज़्ज़ तफ्तीश कसीरतन व ज़ाइदतन मुस्तलफ़ितन लिल अंज़ार, इतनी हो जाती है कि वो नज़रों को क्या करे, मबजूल करे, अपनी तरफ मुतवज्जह करे, फिर ज़ुरूफ़ हालिया मौजूदा हालात में, ये मतलब हमें ये कमज़ोरी तलाश करना बहुत ज़्यादा अहम हो गया है हमारे लिए, ये हालात अल्लती ततरक़ब जो हालात के मुंतज़िर हैं मुखलिस दाइयों के, हालात ऐसे चल रहे हैं अब किसी मुखलिस दाई की ज़रूरत है, ऐसे हालात में इन हालात, ये हालात मुतरक़ब हैं यानी देख रहे हैं, टिक टिकी लगा कर इंतज़ार कर रहे हैं मुखलिस दुआत को। ज़ालिका अन्न अक़ल ख़तअन औ ज़ुफ़िन फ़ी वज़ हिकमत दावत वल एतमाद अलल मौइज़तिल हसन यक़लिबु अल औदा व युक़लिक़ुहा लिल अमल अल इस्लामी। और थोड़ी सी गलती या ज़ौफ़ हिकमत अमली तैयार करने में, दावत की वज़ हिकमत दावा, दावत की हिकमत तैयार करने में और वज़ा करने में और इख्तियार करने में थोड़ी सी गलती, और मौइज़ा हसना को इख्तियार करने में, एतिमाद अलल मौइज़तिल हसना, दावत के अंदर मौइज़त हसना को इख्तियार करने में थोड़ी सी गलती, यक़लिबुल औज़ा ये हालात को बदल देगी, मतलब और बुरा बना देगी, यहाँ बदलने के मायने बुरा बना देना,
कहीं बदलना अच्छे मायने में आ जाता है कि बुरे हैं तो हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ गलती है तो गलती तो और बुरा करेगी, तो हालात बदल देगी, वो युक्लिकुहा, और हालात को और मुंतशिर कर देगी, लिल अमलिल इस्लामी, इस्लामी दावत के लिए। अकलका माने मुंतशिर करना, बेचैन करना। वयजालुल मुतरब्बिसीन बिनद दवाइर यबसूना शबकातिहिम, और वो जो हमारे बदखा लोग हैं, मुतरब्बिसीन बिनद दवाइर, जो हमारे बारे में मुश्किलात का इंतज़ार करते हैं, यानी हमारे बदखा, या तरब्बसु बिहिमुद दवाइर का मतलब उन पर मुश्किल आने की जो ख्वाहिश करते हैं, तो जो हमारे दुश्मन हैं गोया के। अलमुतरब्बिसीन बिनद दवाइर, दवाइर के मायने हमारे ऊपर जो आफात आए, मुतरब्बिसीन उसका जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनको बना देगी ये, या बुस्सूना शबकातिहिम, कि वो अपने नेटवर्क फैला दें, कि दवाइर व मनातिक यईशफ़ी अलमुसलिमिन, उन हलकों में और इलाक़ों में जहाँ मुसलमान रहते हैं, मतलब कादियानियत है, यहूदियत है, नसरानियत है, फिर वहाँ अपने दाई पहुँचा देगी। हमारे दाई नहीं पैदा होंगे, वो खलापुर नहीं करेंगे, तो ये लोग जो हमारे दुश्मन हैं अपना नेटवर्क फैला देंगे, कि दवायरा दायरों में और इलाक़ों में जिसमें मुसलमान रहते हैं। वयहताजूना इला तौजीहात इन जादा अमलिया, अब ये दूसरी बात आ गई, यानी यहताजूना अब ये आ गया, यानी मुसलमानों को ज़रूरत है कि इला तौजीहात इन जादा, अब यहाँ से एक ऊपर से जो बात रिश्ता कट गया इस इबारत का, यहताजूना एक नई बात आ गई है, यानी अलमुस्लिमून यहताजूना, मुसलमानों को ज़रूरत है संजीदा रहनुमाई की, तौजीह माने रहनुमाई, डायरेक्शन, संजीदा डायरेक्शन और रहनुमाइयों की ज़रूरत है, अमली, लितक़वियत अवासिरिहिमुद्दीनिया, उनके दीनी ताल्लुकात को मजबूत करने के सिलसिले में, अवासिर माने ताल्लुकात, दीनी रिश्तों को उस्तवार करने के लिए संजीदा रहनुमाई की ज़रूरत है। और तफजीर ताक़ातिहिमुल कामिना, और जो अंदर सलाहियतें छिपी हुई हैं उन सलाहियतों को बरुए कार लाना, फाड़ना, मतलब सलाहियतों को फाड़ना का मतलब जो छुपी हुई हैं उनको उजागर करना। तो जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको नमूदार करना और उनको मुनकशिफ करना और उनको ज़ाहिर और वाज़ह करने के लिए उनको ज़रूरत है संजीदा तौजीहात की, फ़ी सालिहिल इस्लाम, ताकि वो अपनी पोशीदा सलाहियतों को बरुए कार लाएँ, फाड़ें और यानी मुनकशिफ करें इस्लाम के हक़ में। सालिहिल इस्लाम मतलब इस्लाम के मफाद में, साले के मायने मफाद के भी ले लेते हैं, इस्लाम के मफाद में। ला यकूनु ज़ालिका फ़ी सालिहिना, जैसे कहते हैं कि ये चीज़ हमारे मफाद में नहीं होगी, ला यकूनु ज़ालिका फ़ी सालिहिना, मसालेह कह दें तब भी वही मायने हो जाएंगे, फ़ी मसालिहिल इस्लाम, इस्लाम के मफाद में। व दावतिल इस्लामिया, और इस्लामी दावत के मफाद में उन कोशिशों को बरुए कार लाएँ, इन इलाक़ों में ख़ास तौर से, विवजिन खासिन खास तौर से। इनका पढ़ लें क्या, फा डॉक्टर फा अब्दुल रहीम फा है।
دکتور عبد الرحیم فا کون سے صفحے پر؟ حضرت مولانا کا احترابیون الولایہ کس پر لکھا ہے انہوں نے؟ الولایات المتحدہ یونائٹیڈ اسٹیٹ اور امریکہ چلو ٹھیک حالات حاضرہ پر ہیں نا کچھ معلومات ہو جائے گی حالات حاضرہ کی یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ ولایات المتحدہ ٹھیک